नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यूपी पुलिस के बच्चे जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे या जिस भी बच्चे ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, तो उसका फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा मैं इस भर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई थी यूपी पुलिस के द्वारा। 60,244 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो 27 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, और जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 16 जनवरी रखी गई थी। 16 जनवरी को इसका लास्ट डेट, मतलब जो 16 जनवरी थी इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम डेट तुरंत घोषित कर दी गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के बोर्ड के द्वारा। तो जो इसका एग्ज़ाम होना था वो 17 और 18 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आज मंगलवार हो गया है, तो इसी शनिवार और रविवार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो बच्चे इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड वेट कर रहे थे, एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यूपी पुलिस के द्वारा अब इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जो जो बच्चे पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था जिस बच्चों ने, तो उनका अब इंतजार खत्म हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिंक भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे, यहाँ पे आप ये लिंक डाल लेंगे। मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। कांस्टेबल सिविल पुलिस 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन .co.in करके आप अगर एंटर मारेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल देगा आपका। यूपी पुलिस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, तो यहाँ से आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे आप एडमिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जो आपने कॉन्स्टेबल का फॉर्म फिलअप किया था। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और उसके बाद अपना अगर कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं पता है तो आप अपना रोल नंबर देखेंगे उसके अंदर, और कैप्चा कोड डाल के भी आप अपना जो एसएससी का एसएसएलसी का जो रोल नंबर है उसके रिगार्डिंग भी आप अपना ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एक गुड न्यूज है जो यूपी पुलिस के बच्चे हैं, फाइनली कॉन्स्टेबल वालों के लिए आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। आई होप आप बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, डेडिकेशन और हार्डवर्क से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यही एक तरीका है सफलता पाने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने ये फॉर्म फिलअप किया है, तो कॉम्पिटिशन हाई होने वाला है। लगातार आप प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और अपना एग्ज़ाम दे के आए रिलैक्स होके। घबराने वाली कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो ऐसी ही हम कामना करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो उस पोस्ट को लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। उसमें कॉन्स्टेबल की 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले 18 से 25 एज होती थी, तो अब जर्नल वाला बच्चा 28 साल तक उसमें फॉर्म भर सकता है। कॉन्स्टेबल की 6,000 वैकेंसी पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो वो फॉर्म आप जरूर भरिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का फॉर्म भी हरियाणा वाले बच्चे डेफिनेटली भरते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश वाले भी फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं कॉन्स्टेबल का। तो चैनल पर आपको हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल की वीडियो मिल जाएगी, उसमें डिटेल से बताया गया है क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, पहले लिखित परीक्षा होगी या फिजिकल होगा, एवरीथिंग डिटेल उसके अंदर बताई गई है। तो वीडियो आप वो जरूर देखिएगा अगर आप हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन कॉन्स्टेबल का फिलअप करना चाहते हैं। तो कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहां पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।